लाहौर स्मार्ट सिटी हमेशा से ही अपना रिकॉर्ड कायम करने में सबसे आगे रहा है और अब जो है इसके ओवरसीज से प्राइम ब्लॉक का जो सेक्टर ए और बी है, इस सेक्टर को इन्होंने 1.5 साल से भी कम अरसे में इन्होंने इसको डिलीवर करके दिखाया और इसकी डेवलपमेंट जो है मैसिव हो चुकी हुई है। मतलब कि हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसी वजह से मशहूर है कि वो प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी से जल्दी डिलीवर करते हैं और जितनी भी डेवलपमेंट उन्होंने करनी होती है वो उसको कम अरसे में ही मैसिव डेवलपमेंट करके दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि हम आप तक ऐसी अपडेट्स लाते रहते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ प्राइम की, ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर की, जिसमें ए और बी ब्लॉक की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से जारी है और आपको खुद भी ऑन ग्राउंड जो है, एक तो होता है ना कोई चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, ऑन ग्राउंड जिसकी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं इस बात से काफ़ी खुश हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दो मस्जिदें जो बन रही थी लाहौर स्मार्ट सिटी की, दो मॉस्क इसकी जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसकी डेवलपमेंट जारी है, मतलब कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा जो है बन चुका है और उसकी सिर्फ फिनिशिंग का काम जारी है। इसी तरीके से जो कॉलेजेस, जो कॉलेज बन रहा था उसके 4 फ्लोर्स अब तक मुकम्मल हो चुके हैं, उसके साथ उसके बेसमेंट भी मुकम्मल है, उसके 4 फ्लोर्स बन चुके हैं और 5वां फ्लोर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से जारी है और आप इसकी मज़ीद इंशाल्लाह चंद ही वक्त में इसकी डेवलपमेंट मज़ीद होते हुए देखेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो रिंग रोड के साथ जो बॉलीवुड है उसका भी काम जो है डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है, लेबर लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हुई हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी में बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसेज हैं लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि स्मार्ट सिटी में जो है सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस भी जो है लाहौर स्मार्ट सिटी में उसकी मुकम्मल तौर पर जो है उसकी डेवलपमेंट जारी है और उसका भी फिनिशिंग का काम बहुत तेजी से जारी है। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक जितना भी जो था अपने वादे किए थे उन्होंने कि इतने टाइम तक जो है प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे, इतने टाइम तक इस ब्लॉक की डेवलपमेंट होगी, तो उन्होंने उससे कम अरसे में 1.5 साल से भी कम अरसा उन्होंने लगाया है और उन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी को इतना डेवलप करके दिखाया है कि तमाम लोग जो हैं काफ़ी इस बात से हैरान है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अब हम आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करते हैं जिनमें उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की जितनी जितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है तो वो उन ब्लॉक्स की जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बाउंड्री वॉल है जिसका काम जो है काफ़ी तेज़ी से जारी है और आप खुद भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसका इसके काम में जो है लेबर काम कर रही है। और उसके साथ साथ मेडिटेरियन विलाज हैं जो कि जिनके पहले जो थे काफ़ी जो थे विलाज बन चुके थे और अब जिनके जो इनके मजीद जो इनके बाकी के जो विलाज जो रह चुके हैं डेवलपमेंट होते हुए जो रह चुके थे अब उसकी डेवलपमेंट भी जो है काफ़ी तेज़ी से जारी है, उस पर फिनिशिंग का काम जारी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेडिटेरियन विलाज हैं ये विलाज जो हैं इनके इसके आसपास प्ले एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है, इसके साथ साथ जो है अब मॉस्क भी है। तो अब ज़्यादातर क्लाइंट्स का ये होता है कि इन्वेस्टर्स का ये होता है कि हमने इस ब्लॉक में जो है अपना कोई भी घर है कोई भी विला है तो उसके आसपास के जितने एरियाज होते हैं वो होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम आपके साथ जो है शेयर भी करते रहते हैं। तो मैं उसके साथ कमर्शियल एरिया है, प्ले एरिया है, मॉस्क का तो एक बहुत बड़ी सहूलत जो है उनको मिल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि लाहौर स्मार्ट सिटी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है, उसके पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, विलास जो बन रहे हैं तकरीबन एक एक कनाल के विलास जो कि तकरीबन 200 से भी जायद के जो विलास हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी को एक बहुत ही एक खूबसूरत सा मंजर उसका पेश करती है। और उसके साथ साथ मॉस्क की काफ़ी अच्छी बेहतरीन डेवलपमेंट जारी है और काफ़ी खूबसूरत दिखने में उसको जो है बनाया जा रहा है, जब उसकी फिनिशिंग मुकम्मल हो जाएगी तो आप खुद भी देखेंगे कितनी और मज़ीद खूबसूरत लगेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सेंट्रल बॉलीवुड है उसका भी काम बहुत तेज़ी से जारी है और उसकी स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं और मशीनरी चल रही है, उसके साथ साथ जो है काफ़ी लेबर फोर्स जो है उस पर काम कर रही है। और उसके साथ हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने जब भी जो है अपने वादे किए हैं और उस वादे को पूरा किया है और लाहौर स्मार्ट सिटी को आप खुद भी इतना अच्छे तरीके से डेवलप होते हुए देख रहे हैं तो तमाम इन्वेस्टर्स इस बात से काफ़ी खुश हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की ने जो आप सेक्टर ए मतलब ए ब्लॉक का जो मास्टर प्लान उन्होंने रिवील किया है वो आपने देखा भी होगा खुद भी, तो उसका मैप रिवील कर चुका है जिसमें अब जो है तमाम वो लोग जो लोग चाहते थे कि उनके ब्लॉक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर हैं उनके ब्लॉक्स, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। इस लाहौर स्मार्ट सिटी ने अब फाइनली जो है मास्टर प्लान रिवील कर दिया। हम इसके शॉर्टकट में जाएंगे। सबसे पहले जो कुछ चंद ऐसे बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पैंडा मार्ट और जो मिक्स है जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल जो है आपके एरियाज हैं। उसके अलावा उसके
साथ साथ लाहौर थीम पार्क है, इसी तरह से काफ़ी और बेहतरीन डिस्ट्रिक्स हैं, मेजर डिस्ट्रिक्स हैं जो कि वहाँ पर लोकेटेड हैं। उसके साथ साथ जो है उनकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी तेज़ी से जारी है। और उसके अलावा जैसे सिलिकॉन वैली हो गया और ग्लोबल विलेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है और इनका मैप जो है रिवील हो चुका है, जो इनका मास्टर प्लान है आप उसमें खुद भी जो है अपने प्लॉट को देख सकते हैं। मतलब कि 24 दिसंबर और 2022 को जो इवेंट मुनक़द किया गया था उसमें काफ़ी लोगों को पोजेशंस मिल गई थी और इस बात से जो है काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर कर सकते हैं, कोई भी आपके माइंड में कोई भी ऐसे सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कर सकते हैं। वैसे हम डेली बेसिस पर ऐसी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं थी आपकी होस्ट समाज आवे, तो आप देख रहे थे ट्रस्ट मार्क डिजिटल।